एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड के अपने जो जेन्युइन उन्होंने अभी अलॉयज लॉन्च किए हैं अपनी क्लासिक मॉडल के लिए। तो मेरे पास काफ़ी मेरे दोस्तों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग रॉयल इनफील्ड के अलॉय पे एक वीडियो बनाइए राजन भाई। तो मैंने आज फाइनली अपने दोस्त की जो अभी इन्होंने स्टिलिथ ब्लैक का मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था, तो उन्होंने अपनी बाइक में रॉयल इनफील्ड कंपनी से ही अलॉयज लगवाए हैं, तो मैं उनकी बाइक का आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ अलॉयज का। एक बार आपको दिखा देता हूँ गाइस कि अलॉयज ये दिखते कैसे हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो ये अलॉयज की ये ब्रांडिंग है गाइस, रॉयल इनफील्ड की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि रॉयल इनफील्ड अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग पे ये अलॉयज बना रहा है गाइस। और किसी भी आप रॉयल इनफील्ड के शोरूम से जाके ये अलॉयज ले सकते हैं। 9 स्पोक्स में आते हैं ये, और ये आपको क्रोम फिनिश भी साथ में मिलेगी इन अलॉयज के साथ। और गाइस 9 स्पोक्स में आने से इसका ये बेनिफिट रहता है कि आप लोग अगर किसी बम पे या किसी गड्ढे पे जाते हैं तो बाइक आपको थोड़ा सेफ महसूस कराएगी। मैं ये नहीं कहता कि 9 स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेरी वाली बाइक है उसमें मैंने लगवाए थे वो 30 स्कोप्स वाले हैं, पर वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे हवा डलवाने में भी कई बार दिक्कत आती है उसमें। तो मैंने गाइस अगर आप यकीन माने तो कई बार BMW जैसी बाइक्स के भी अलॉयज मैंने बैंड होते हुए देखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलॉयज बैंड नहीं होते हैं, बट फिर भी अगर आपको कंपनी अगर बना के दे रही है तो ये ज़्यादा ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं इन अलॉयज पे, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा ये कि कंपनी इसकी 1 साल की गारंटी देती है कि आप अगर ये बैंड हो जाए या किसी का कोई स्पोक टूट जाए तो आप इसको चेंज करा सकते हैं कंपनी से। दूसरा ये कि अगर आप इसको किसी भी रॉयल इनफील्ड के शोरूम से आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है गाइस क्लासिक मॉडल के लिए ही बने हैं और कुछ 6 महीने पहले लॉन्च हुए हैं। प्राइस है इसका 10,000 रुपीज़, रॉयल इनफील्ड के किसी भी शोरूम से आप लगवा सकते हैं। और गाइस अगर कोई दिक्कत आती है इनमें तो आप किसी भी स्टोर पर जाके इसको चेंज भी करा सकते हैं आप। तो ये गाइस अलॉयज है, मैं एक बार पीछे का भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरा ये कि आप इसको डिस्क ब्रेक वाली बाइक्स में आपकी जो क्लासिक है, मैं सिर्फ क्लासिक की बात कर रहा हूँ गाइस, मुझसे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ये ना पूछें कि स्टैंडर्ड में लगते हैं कि थंडरबर्ड में लगते हैं। थंडरबर्ड के अलॉयज भी रॉयल फील्ड बनाती है बट स्टैंडर्ड के लिए अभी तक नहीं आए हैं, तो ये क्लासिक के लिए आते हैं और थंडरबर्ड के लिए आते हैं। ये क्लासिक के लिए आप इसको ABS वाली डिस्क ब्रेक वाली बाइक में इसको लगा सकते हैं क्लासिक में। एक बार क्लोजअप से आपको इसका मैं दिखा रहा हूँ ग्रिप्स, देखिए आप देख रहे हैं डिस्क के साथ ये लगा हुआ है, डिस्क पैड वाली बाइक है और क्रोम फिनिश के साथ मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है ये। और ऊपर से रॉयल फील्ड की इसमें ब्रांडिंग है साथ में। एक बार आपको पीछे का भी टायर में दिखा देता हूँ गाइस, पीछे जैसी लगी हुई है गाइस ये पीछे का इसका अलॉय है पीछे का। और मैं इसके साथ ही आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके कलर की जो ये मैट ब्लैक कलर दिख रहा है इस कलर की भी रॉयल इनफील्ड गारंटी लेती है आपको। दोनों ये आगे पीछे का जो पेयर है ये 10,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ में कंपनी ये गारंटी लेती है कि आप अगर इस पर स्क्रैच अगर आ जाएँ, किसी तरह के स्क्रैचेज आ जाएँ या फिर ये टूट जाए या ब्रेक हो जाए, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से रिप्लेस करा सकते हैं किसी भी तरह के स्क्रैच आ जाएँ, आपका कलर अगर फेड हो जाता है तो। गाइस हम लोग बाहर से आफ्टर मार्केट अलॉयज़ की तरफ जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस को लेके अगर आप लोग थोड़ा सा भी आप चाहेंगे थोड़ा सा एफर्ट करके अपने बजट को बढ़ा के आप इस तरह की फैसिलिटी कंपनी से ले सकते हैं और अच्छा माल आपको मिल जाएगा। प्रीमियम क्वालिटी है कंपनी बना के दे रही है तो आप लोगों को ज़्यादा सेफ महसूस होगा कि हम लोग कुछ आफ्टर मार्केट कुछ ऐसा माल नहीं ले रहे हैं, अपनी बाइक में हमने अच्छा माल लगाया है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ये ऑप्शन है जो रॉयल इनफील्ड अभी कंपनी हमें दे रही है दोनों अलॉयज बना के। और 10,000 रुपीज़ के प्राइस में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा महंगा है गाइस। तो आप लोग बेझिझक होके इस अलॉयज़ को लगा सकते हैं अपनी क्लासिक में बजाय आफ्टर मार्केट लगाने के। अगर आप मार्केट से भी लेते हैं तो 6,000 रुपये के आसपास का प्राइस मिल जाता है, पर मेरे हिसाब से 10,000 रुपये में आप लोगों को लगा लेना चाहिए कंपनी। बाकी गाइस ये है कि ये अलॉयज़ जो है हमने ऑफ रोडिंग पर भी यूज़ कर लिए हैं अभी अपनी एक राइड के दौरान। हम लोग शिमला राइड पर थे, मैं और मेरे फ्रेंड जिनकी ये बाइक है, तो हमने ऑफ रोडिंग पर भी यूज़ किया, हमने बम्पी रोड्स पे भी यूज़ किया, तो अभी तरह की कोई परेशानी नहीं आई है। बाकी आप देख रहे हैं अभी थोड़ा सा गंदा है पर किसी तरह का कोई स्क्रैच नहीं है क्योंकि ये जो स्क्रैच फ्री इसको कहती है रॉयल फील्ड, कलर जाने की भी गारंटी है। गाइस एक बात और मैं जो कवर करना चाहूँगा साथ में कि आप लोग ये शोरूम से ही लगवाइए, आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि आपको ये बाहर कहीं आफ्टर मार्केट में मिल जाएंगे रॉयल फील्ड के।
क्योंकि ये काफ़ी डिमांडिंग है, डिमांड में रहता है। आप लोगों को हो सकता है कि वेटिंग पे भी मिले, आप ऑर्डर करें रॉयल फील्ड में और वो बोलेंगे नहीं एक महीना लगेगा या दो महीने लगेंगे, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने ये लगवाए हैं उनको भी 3 महीना वेट करना पड़ा इसके लिए, 3 महीने बाद उनको ये मिला है क्योंकि डिमांड में है काफ़ी, 10,000 रुपये में मिल जाते हैं। तो लोग हर कोई चाहता है कि हम लोग ओरिजिनल चीज़ ही लगाएं रॉयल फील्ड की। तो गाइस ये था डिटेल रिव्यू रॉयल फील्ड के अलॉयज़ के ऊपर। अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट हो या कोई भी आप लोग क्वेरीज हो कि किस अलॉय के बारे में कुछ पूछना चाहते हो आप लोग, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। रॉयल फील्ड से रिलेटेड वीडियो मैं लाता हूँ, ट्रैवल से रिलेटेड भी लाता हूँ, अपनी राइड्स की वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।